रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन amu एंड इन ग्राम्स. ओके, सो फर्स्ट राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2. ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना हो गया 32. अभी हमको किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए. वी ऑल नो दैट 1 amu इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10^-24 ग्राम. सो अभी हमको ग्राम में करना है, तो हम कैसे करेंगे, दैट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आपका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई 10^-24 ग्राम. तो आपका आ जाएगा आंसर दैट 53.13 मल्टीप्लाई 10^-24 ग्राम. अंडरस्टूड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास. हमने क्या क्या किया, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल नोन एज अ मॉलिक्यूलर मास. इसके लिए हमको क्या लर्न होना चाहिए, दैट एटॉमिक मास, दैट फर्स्ट टू 20 तक के जो एलिमेंट है उनका हमको एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए. ओके, सो सेकेंड इज, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, ऑल गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास. सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. व्हाट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल नोन एज अ मॉलिक्यूलर मास. मीन्स मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास. हम फर्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मेथेन CH4. ओके, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1. सो यहाँ पर हम लिखे 1. कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4. उन्होंने क्या कहा है, एटॉमिक मास. तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1. सो मल्टीप्लाई करो 12 4 वन सा 4 कितना हो गया, 4 16. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन इज 60 amu. ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, दैट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर कितने कार्बन है, दैट 1 कार्बन. कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2. कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पर कितना मैंने बताया आपको, 12. तो कितना है यहाँ पर, 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16. तो कितना हो गया, 12 16 2 20. कितना हो गया 16 2 32. तो कितना हो गया आपका, 44 amu. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला मास. द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला मास जो है वो सॉलिड एंड आयोनिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं. जैसे कुछ स्ट्रक्चर कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे NaCl. NaCl कैसे फॉर्म में मिलता है हमको, क्रिस्टल फॉर्म में होता है. बट इनका शेप कैसे होता है, इन सॉलिड का 3D शेप होता है. जैसे अगर मैं एक ये एटम ले रही हूँ, ये दूसरा एटम है मेरा, ये तीसरा एटम है और ये 14 एटम है. तो इसके पीछे भी एक एक एटम होता है, आगे भी होता है पीछे भी होता है. सो दैट वी कॉल 3D स्ट्रक्चर. जैसे हम लोग क्यूब देखते हैं, क्यूब 3D स्ट्रक्चर में होता है. जैसे मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे होता है ना क्यूब. ओके, सो यहाँ पर Na+ NaCl किससे मिला है, Na+ आयन
और Cl माइनस आयन से Na, यहाँ पर Na प्लस, Na प्लस इस कॉर्नर पर, Na प्लस इस कॉर्नर पर, Na प्लस इस कॉर्नर पर, Na प्लस यहाँ पर भी, Na प्लस यहाँ पर और यहाँ पर, और इनके बीच में कौन सा आयन है? देन Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ पर आएगा Cl माइनस, यहाँ पर आएगा Cl माइनस, हियर आल्सो Cl माइनस, Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस है ये HCl से भी है जुड़ा है, HCl से भी जुड़ा है, ये Na HCl से भी जुड़ा है, HCl से भी जुड़ा है। इवन जो मॉलिक्यूल है वो एटम है वो किसी एक के साथ अटैच नहीं है, हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि ये Na इसके साथ ये Cl जुड़ा है कि ये Cl जुड़ा है, ये Na के साथ ये Cl जुड़ा है कि ये Cl जुड़ा है। इसी कारण हम इस टाइप के जो हमको लेटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर मिलते हैं उसके लिए हम किसको किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे एक इसके आगे भी NaCl है, इसके पीछे भी NaCl है, तो एक 3D स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर Na प्लस जो है वो Cl 6Cl माइनस से सराउंडेड है, और सेम यहाँ पर Cl माइनस जो है वो 6Na प्लस Il से सराउंडेड है, यानी ये एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रिस्टल अटैच्ड है। ओके, सो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको Na 6Cl 6, बट ऐसे बहुत से सेम क्रिस्टल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसा ना लिख के, हम डायरेक्ट इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं NaCl। अभी मुझे फॉर्मूला मास निकालना है NaCl का, तो मैं कैसे निकालूंगी, हम लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, दैट 23.08 mu, प्लस आपका Cl का कितना है, दैट 35.5 u, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा दैट 58.548 mu। तो हमने यहाँ पर किसका, दैट Na प्लस Cl के क्या लिया है, क्या लिया है इसमें हमने NaCl के, दैट फॉर्मूला मास हमने निकाला है NaCl का। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास।